साथ ही नमस्कार नवोदय क्रांति के आज के ऑनलाइन सत्र में मैं स्मृति चौधरी आपका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ, शुक्रिया करना चाहती हूँ अपने नेशनल गाइड श्री एशन शर्मा जी का जो मुझे सिखाते रहते हैं। साथ ही धन्यवाद करना चाहूँगी अपने कोऑर्डिनेटर श्री मोनू कुमार जी का जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। और एक धन्यवाद मैं और करना चाहूँगी हमारे संस्थापक महोदय श्री संदीप ढिल्लो जी का जिन्होंने इतना बड़ा मंच हम सबको दिया जिस पर हमें सीखने सिखाने के बेहतरीन अवसर प्राप्त हो रहे हैं। तो आप सभी साथियों का, गुरुजनों का और अवसर प्रदान करने वाले साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जिनके साथ मुझे सीखने सिखाने के बेहतरीन अवसर प्रदान मिल रहे हैं। मेरा आज का विषय है साथियों विज्ञान और इसका उपविषय है पुष्प के भाग और इसके कार्य। इसमें मुझे सीखने सिखाने के कुछ निर्धारित प्रतिफल मिलने चाहिए जैसे बच्चे पुष्प के विभिन्न भागों को पहचानना सीख जाए उनकी आकृति और बनावट के आधार पर, बच्चे पुष्प के विभिन्न भागों के नाम जान जाएं, उनके कार्यों के बारे में जान जाएं और पुष्प के विभिन्न भागों को खुद से अलग अलग करके पहचान सकें, अपने ज्ञान और समझ का निर्माण कर सकें। तो इसके लिए चलते हैं कक्षा कक्ष की ओर। बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। आज आप सब लोगों को मैंने यहाँ पर बुलाया है, yes, है ना? तो मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। बातें करें आप थोड़ी सी? yes, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ आज आप लोगों ने क्या क्या खाया, आप बताओ बेटा। दूध, अच्छा सुबह सुबह दूध पिया, फिर खिचड़ी खाई, तहारी स्कूल में नियम है, और बैठ जाओ आप बताओ आपने क्या क्या खाया आज सुबह से। ऑरेंज खाया, वेरी गुड। और दाल चावल खाए, वेरी गुड। और खिचड़ी खाई, वेरी गुड। तहारी है ना, बैठ जाओ, गुड। तो फल खाया, फल कहाँ लगता है, कौन बच्चा बताएगा? जीव पेड़ पर, वेरी गुड। पेड़ पर फल लगने से पहले क्या लगता है? फूल। अरे वाह, सब एक साथ बोले फूल। तो फूल किस किस रंगों के होते हैं आप बताओ बेटा? रेड, येलो, पिंक। वेरी गुड, बैठ जाओ। फूल यानी कि बहुत सारे रंगों के होते हैं, ठीक है ना? तो आज हम फूल के बारे में कुछ बातचीत करें थोड़ी सी, है ना? तब तक एक बच्चा ये सारे फूल बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो और मैं एक डायग्राम बनाती हूँ। इसके एक फूल को देखना, ठीक है, और डायग्राम को देखना, ठीक है, ध्यान से देखना इसको और इसको। क्या मैं इसी की तरह का कुछ बना रही हूँ या इससे अलग, ठीक है ना? आप तब तक बांट दो बेटा सबको, ठीक। और इधर देखना मैं क्या बना रही हूँ, फूल को देखते जाना और इधर देखते जाना, ठीक है ना? सबके हाथ में फूल है, एक फूल को पकड़ो इसमें से, ध्यान से तोड़ना नहीं है और उसको देखना शुरू करो, ठीक है, आराम से देखो। देख लिया? पुष्प वर्ण,
नाम क्या है? अरे वाह, बैठ जाओ, ये अपना खाना है। क्योंकि हरे रंग की वजह से ये कौन सी क्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? छोटा छोटा हरा हरा दिख रहा है जी। इसका नाम क्या है? वायदल पुंज। क्योंकि ये चारों और चारों तरफ है ना जी, इकट्ठे इनको बोलेंगे वायदल पुंज। ठीक है, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कैलिक्स। एक ये निकाल लूं तो इसको कहते हैं, निकालो एक निकाल के देखो, इसकी एक यूनिट को कहते हैं सेपल। सेपल ठीक है ना जी। अब मुझे बताओ इसके अंदर की तरफ ये कैसी बड़ी बड़ी पंखुड़ियों जैसी संरचना है ना जी। इनका नाम क्या है? ये बड़ी बड़ी संरचनाओं का आप बताओ क्या है इन बड़ी बड़ी संरचनाओं का? आपके हाथ में फूल है, देखो उसको। हाँ, इन पंखुड़ियों को क्या कहते हैं? दलपुंज। और इंग्लिश में दलपुंज को क्या कहते हैं? करोला। और इसकी एक पंखुड़ी को अलग करो, तो इस एक पंखुड़ी को क्या कहेंगे? दल। वेरी गुड, दल। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? पेटल। वेरी गुड। और ये किस रंग की है? पीले। पीले रंग की है। इसमें इनका काम क्या हो सकता है? कोई और बताओ, आप बताओ। मैम जो है तितलियों से आकर्षित करते हैं अपनी ओर, तितलियों को जी। और किस किस को कर सकते हैं? कीट पतंगों को भी करते हैं, हमें भी करते हैं। तो इनका एक काम क्या हो गया? फूल को आकर्षित बनाना, ताकि कीट पतंगे इनकी ओर आए। और दूसरा काम क्या है? कीट पतंगे क्यों आएंगे इनके पास? जी अपना भोजन, रस चूसने के लिए, है ना जी। बहुत बढ़िया, अपना भोजन लेने के लिए आएंगे इनके पास में। ठीक है, वेरी गुड। और इसके अंदर की तरफ सेपल्स को हटा के देखो, अंदर की तरफ क्या दिखाई दे रहा है? क्या नाम है उस संरचना का? उमंग। वेरी गुड, उमंग। अच्छा उमंग बताओ, उमंग का जो वो है आकार किस तरह का है? एक बच्चा आके बोर्ड पे बनाओ, आ जाओ, आप आ जाओ बेटा। उमंग किस आकार का है? बोर्ड पे इधर बना दो, इसी तरह का है। सब देखो अपने अपने फूल में जी, है ना? यस मैम। तो ये जो तंतुनुमा रचना है जी, ये इसको है ना क्या कहते हैं? तंतु। वेरी गुड। और ऊपर की तरफ जो ये उभरी हुई संरचना है, इसका नाम क्या है? परागकोश। वेरी गुड, पराग कोश। अब जरा एक उमंग लेकर, है ना, एक उमंग लेकर इसके पराग कोश को हल्का सा हाथ पे मसल के देखो क्या आता है। सबने देख लिया? क्या नजर आया बेटा, आप बताओ? पीले रंग के हैं, तो इनको क्या कहते हैं?
वेरी गुड, पराग कण। इसका मतलब क्या हुआ, पराकण कहाँ रहते हैं? वेरी गुड, ठीक है। एक बार फिर से पुमंग को, पुमंग का दूसरा नाम क्या है? केसर। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एंड्रोशियम, ठीक है ना। और एंड्रोशियम के कितने भाग दिखाई दे रहे हैं हमें? दो, दो, दो। कौन से दो? पुतंतु और एक महाकोश। वेरी गुड। पुतंतु को इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंट। पुतंतु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिलामेंट। और पराग कोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंथर, ठीक है ना। और एंथर को जब हमने मसला तो उसके अंदर से क्या निकला? कण। उनका नाम क्या है? पराकण। और इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन्स। क्या कहते हैं? अंदर की तरफ देखो, पोलन ग्रेन जो आपका ये है, पुंकेसर है, एंड्रोशियम, इसके अंदर भी कुछ है ना, अंदर की तरफ जी। क्या नाम है उस रचना का? तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? गाइनोशियम, गाइनोशियम, ठीक है ना। जायांग को दूसरा नाम जायांग का क्या है? स्त्री केसर। वेरी गुड, ठीक है। और पुमंग का दूसरा नाम क्या था? पुंकेसर। वेरी गुड। अब मुझे जरा संख्या बताओ, बाह्य दल पुंज कितने हैं? आपके हाथ में फूल है ना, जिनके बताओ। एक फूल पकड़ लो और चार देखो कितने हैं। चार है ना जी। आप भी चेक करो, चेक करो। आ जाओ, एक बच्चा लिखता रहेगा बाकी बोलते रहेंगे। आ जाओ, आप आ जाओ। यहाँ लिखो कितने हैं बाह्य दल? चार हैं। और इसके अंदर की तरफ कौन सी रचना है? बाह्य दल के अंदर की तरफ कौन सी रचना है? बाह्य दल, हाँ जी, दल है ना, दलपुंज है ना जी, ठीक है। दलपुंज कितने हैं? गिनो, इनके बताओ मुझे कितने हैं। दल कितने हैं? चार है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे? हाँ बोलो, सी फोर। सी फोर, वेरी गुड। लिखो, यही लिख दो बेटा इसके बराबर में। सी फोर, चार है ना जी। इसके अंदर की तरफ क्या है बताओ? दलपुंज के अंदर की तरफ और जायांग के बाहर की तरफ कौन सी रचना है? पुंकेसर। पुंकेसर, ठीक है ना। ये कितने हैं संख्या में? गिनो, अपने अपने फूल में गिनो। छह है ना जी। क्या लिखेंगे फिर यहाँ पर हम? अभी कौन बच्चा बोला था? A6, वेरी गुड। A6, गुड। और सबसे अंदर की तरफ जो रचना है उसका नाम क्या है? इनकी संख्या कितनी है? एक। लेकिन जब ये बनता है ना शुरुआत में तब तो इनकी संख्या एक रहती है, लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होता है इसके बीच में एक भित्ति आ जाती है, दीवार आ जाती है, सेप्टा आ जाता है, फॉल सेप्टा, जिसकी वजह से ये दो हिस्सों में बट जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? जी टू, ठीक है ना, जी टू। अब
चलो इनके काम पे चलो बेटा, बहुत बढ़िया। अब इनके काम के बारे में बात करें, ठीक है ना। पुष्प का सबसे पहला भाग जो सबसे बाहर की तरफ पत्ती के समान ना, इनका काम क्या है, हरा रंग होने की वजह से अपना वजन। इधर आना बेटा। इनका दूसरा काम क्या होगा देखो, और कोई बताओ, आप बताओ। मैम जैसे कि हमारी आंखें इसको एकदम से वो बंद हो जाती है ना, तो इसके सारे भाव को ही बचा कर रखता है। अरे वाह, जैसे मैंने अभी पेंसिल इस बच्ची के पास लेके गई तो इसकी पलकों ने ढक लिया, ठीक है बचा रहे ना, और आंख को बचा लिया। इसी तरह से ये भी जब गली में होता है तो इसको बचा लेता है, इसको पुष्प के भागों को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बताओ बाह्य दल पुंज के तुरंत अंदर की तरफ कौन सा पुष्प का कौन सा भाग है, बाह्य दल के अंदर की तरफ देखो ये कौन सा भाग है, बाह्य दल के अंदर की तरफ दल पुंज, दल पुंज है। दल पुंज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, करोला। कोरोला की एक यूनिट को, एक दल को क्या कहते हैं, पेटल। और पेटल को किससे डिनोट करते हैं, ई से। और ये संख्या में कितनी है, ठीक है ना। अब इनका काम बताओ मुझे, दलपुंज का। हाँ दलपुंज का, पेटल का काम बताओ। बताओ बताओ, ये कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, रंग बिरंगे होते हैं ये। वेरी गुड। अब इसके अंदर की तरफ, पेटल के अंदर की तरफ यानी कि दल के अंदर की तरफ, दल पुंज के अंदर की तरफ कौन सा अंग है, पुंकेसर। पुंकेसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को किससे डिनोट करते हैं, ये संख्या में कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, छह दिख रहे हैं। आप बताओ बेटा, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, गाइनोशियम। गाइनोशियम ठीक है ना। जायांग को दूसरा नाम जायांग का क्या है, स्त्री केसर। वेरी गुड, ठीक है। और पुमंग का दूसरा नाम क्या था, वेरी गुड। अब मुझे जरा संख्या बताओ, बाह्य दल पुंज कितने हैं आपके हाथ में, फूल है ना, जितने बताओ। एक फूल पकड़ लो और देखो कितने हैं, चार है ना जी। आप भी चेक करो, चार है, चेक करो। आ जाओ, एक बच्चा लिखता रहेगा बाकी बोलते रहेंगे, आ जाओ आप, आ जाओ। यहाँ लिखो कितने हैं बाह्य दल, चार हैं। और इसके अंदर की तरफ कौन सी रचना है, बाह्य दल के अंदर की तरफ कौन सी रचना है, बाह्य दल। हाँ जी, दल है ना, दल पुंज है ना जी, ठीक है। दल पुंज कितने हैं, गिनो, गिन के बताओ मुझे कितने हैं, दल कितने हैं, चार है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, हाँ बोलो, सी फोर। वेरी गुड, लिखो, यही लिख दो बेटा इसके बराबर में, चार है ना जी। इसके अंदर की तरफ क्या है बताओ, दल पुंज के अंदर की तरफ और जायांग के बाहर की तरफ कौन सी रचना है, पुंकेसर, ठीक है ना। ये कितने हैं संख्या में, गिनो अपने अपने फूल में, गिनो, छह है ना जी। क्या लिखेंगे फिर यहाँ पर हम, अभी कौन बच्चा बोला था, A6। वेरी गुड, A6 गुड। और सबसे
संख्या कितनी है? एक। लेकिन जब ये बनता है ना शुरुआत में तब तो इनकी संख्या एक रहती है, लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होता है इसके बीच में एक भित्ति आ जाती है, दीवार आ जाती है, सेप्टा आ जाता है, कॉल सेप्टा, जिसकी वजह से ये दो हिस्सों में बट जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जी टू, ठीक है ना, जी टू। अब चलो इनके काम पे चलो बेटा, बहुत बढ़िया। अब इनके काम के बारे में बात करें, ठीक है ना। पुष्प का सबसे पहला भाग जो सबसे बाहर की तरफ जिजाया, जो सबसे बाहर की तरफ है, जिदल, जल के बाहर की तरफ क्या है? वायर, है ना जी। ये कैसे दिखाई दे रहे हैं? हरी पत्ती के समान ना। इनका काम क्या है? हरा रंग होने की वजह से अपना वजन। इधर आना बेटा। इनका दूसरा काम क्या होगा? देखो जी। और कोई बताओ, आप बताओ। जैसे कि हमारी आंखें इसको एकदम से वो बंद हो जाती है ना, तो इसके सारे भाव को ही बचा कर रखता है। अरे वाह, जैसे मैंने अभी पेंसिल इस बच्चे के पास लेके गई तो इसी पलकों ने ढक लिया, ये कहना चाह रहे ना, और आंख को बचा लिया। इसी तरह से ये भी जब गली में होता है तो इसको बचा लेता है, इसको पुष्प के भागों को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बताओ बाह्य दल पुंज के तुरंत अंदर की तरफ कौन सा पुष्प, कौन सा भाग है बाह्य दल के अंदर की तरफ? देखो ये कौन सा भाग है बाह्य दल के अंदर की तरफ? दल पुंज, दल पुंज है। दल पुंज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? करोला। करोला की एक यूनिट को, एक दल को क्या कहते हैं? पेटल। और पेटल को किससे डिनोट करते हैं? सी से। और ये संख्या में कितनी है? चार, ठीक है ना। अब इनका काम बताओ मुझे, दल पुंज का। हाँ, दल पुंज का पेटल का काम बताओ। रंग बिरंगे होते हैं ये। वेरी गुड। अब इसके अंदर की तरफ, पेटल के अंदर की तरफ, यानी कि दल के अंदर की तरफ, दल पुंज के अंदर की तरफ कौन सा अंग है? पुंकेसर। दल पुंज के अंदर की तरफ कौन सा भाग दिखाई दे रहा है? जायांग के बाहर और दलपुंज के अंदर की तरफ कौन सा भाग दिखाई दे रहा है? पुंकेसर। वेरी गुड। पुंकेसर के कितने भाग हैं? दो। कौन कौन से? कुतंतु और पराकोष। कुतंतु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिफिलाई। पराकोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंथर। और पराकोष के अंदर क्या भरा होता है? पराकण। पराकण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये कितने हैं संख्या में आपके फूल में जो आपके हाथ में है? चार, छह। गुड। और सबसे अंदर की तरफ यानी कि पुंकेसर के अंदर की तरफ कौन सी संरचना है? जायांग का आकार किस तरह का है? एक बच्चा के बनाओ, आप बना दो बेटा, आप बनाओ। चलो यहां बना दो। गुड, बहुत बढ़िया। इसी तरह का दिखाई दे रहा है आपको भी अपने फूल में, है ना? सबसे ऊपर की तरफ चपटा भाग, इसको क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। गुड। और इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा। और ये जो
इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टाइल। स्टाइल और जो नीचे का फूला हुआ हिस्सा है वेरी गुड, इसको कहते हैं अंडाशय। और अंडाशय को इंग्लिश में कहते हैं ओवरी। ठीक है जी। और जिस प्रकार परागकोश में क्या भरा रहता है उसी तरह से ओवरी में होते हैं बीजाणु। ठीक है ना जी। बीजाण इसको बोलते हैं बीजाण। ठीक है ना। और इंग्लिश में इसको कहते हैं ओव्यूल। इसको बोलते हैं ओव्यूल। और ये पूरा मिलाकर क्या बन गया आपका जायांग। जायांग। और जायांग का दूसरा नाम क्या था स्त्री के गर्भ। वेरी गुड। ठीक है जी। अब आप मुझे ये बताओ कि इस फूल में जो आपके हाथ में है जी इसमें नर और मादा दोनों भाग है ना जी। नर भाग कौन सा है और मादा भाग कौन सा है ना जी। ओव्यूल जिसके अंदर जी मादा कोशिका रहती है ओव्यूल। तो इसका मतलब इस फूल में नर भाग और मादा भाग दोनों है। ठीक है ना। तो उसके लिए मैं एक निशान बना रही हूँ उसको ध्यान से देखना। ठीक है। और इस फूल में सारी संख्याएं आप देखो फूल को अच्छी तरह से इसको कहीं से भी काटो क्या ये एक समान रूप से कट जाएगा जी, बराबर हिस्सों में कट जाएगा ना जी, ना जी, कट जाएगा ना जी, क्यों कट जाएगा क्योंकि उसमें सारी चीजें एक समान है। दो 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 हिस्सों में बट जाएंगी ये भी दो दो जे तीन तीन जे है ना। ठीक है ना। तो बराबर दो हिस्सों में बट जाएगा यहीं से भी काट दूं ऐसे 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 बराबर जाएगा ना यस मैम। ठीक है ना। ऐसे फूल को कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है ना एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। और क्योंकि ये कैसे भी कट जाएगा तो इसके लिए निशान लगाते हैं ऐसे चाहे ऐसे काट दो चाहे ऐसे काट दो। ठीक है ना। ठीक। बाह्य दल के चारों तरफ क्या कोई और पत्तीनुमा संरचना इसमें दिखाई दे रही है आपके फूल में जी। बाह्य दल के बाहर की तरफ भी कोई पत्तीनुमा रचना दिखाई दे रही है दिख रही है नहीं ना। कुछ फूलों में होती है जी। तो इसमें नहीं है इसलिए हम लिख देते हैं ई ब्रैक्टिएट ई ब्रैक्टी आर। ठीक है ना। ठीक जी। अब देखो इसमें बाह्य दलपुंज के बाहर कोई भी संरचना नहीं होती नहीं है इसका मतलब क्या है जी कहीं से भी कट सकता है। एक्टिनोमॉर्फिक है कहीं से भी दो इक्वल पार्ट में कट सकता है। और इसका मतलब क्या है इसके पास जी सब चीज है सब दोनों चीज है जी दोनों चीज है। दोनों चीज क्या जनन में जरूरी दोनों चीज क्या है मादा और मादा और नर कोशिका। वेरी गुड। तो इसलिए हमने ये वाला चिन्ह बनाया। ठीक है ना। यस मैम। उसके बाद इसका मतलब क्या है जी के फोर। के फोर का जी जी हाँ हाँ बोलो। देखो अपने फूल में देख लो अब बताओ ये जो K4 लिखा है इसका मतलब क्या है अपने अपने फूल में देखो। कैलिक्स। कैलिक्स। वेरी गुड। ठीक है ना। जितने हैं और ये जी चार। वेरी गुड। और कैलिक्स के तुरंत अंदर की तरफ क्या है ये करोला पेटल्स यानी कि है ना सारी पेटल मिलके करोला कहला रही है। ये कितनी है जी चार। और करोला के अंदर की तरफ हमें
यानी कि ये दो, ये दो है, लेकिन ये चूंकि जी जुड़ी है, जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने एक ब्रैकेट में बंद कर देती हूँ जी। अब ये देखो फूल के ये सारे भाग, अपने अपने फूल में देखो ऐसे जी, ये सारे भाग जी एक जगह लगे हुए हैं जी, ठीक है ना। उस जगह को जहाँ ये लगे हुए हैं उसको क्या कहते हैं जी, पुष्पासन, पुष्पासन, वेरी गुड, उसे पुष्पासन कहते हैं। एक बार ध्यान से देखो, ये जो सबसे अंदर का पार्ट है गाइनोशियम, ये पुष्पासन पे इसका स्वलन पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ है या अंदर धसा हुआ है। गाइनोशियम को अपने अपने फूल में देखो, एक फूल ले लो जी, और फिर ये देखो ये पुष्पासन के ऊपर स्थित है या नीचे धसा हुआ है, ऊपर, ऊपर है जी। इसलिए मैं इसके नीचे एक लाइन बना देती हूँ, ये पुष्पासन के ऊपर स्थित है, ठीक है ना जी। अब आप ये देखो, ये जो आपने यहाँ ये लिखवा दिया मेरे से जी, है ना, ये कक्षा 10 और 12 के बच्चे भी नहीं लिख पाते हैं ढंग से। इतनी शांति क्यों है भाई, ये कक्षा 10 और 12वीं के बच्चे भी नहीं लिख पाते हैं। इसका नाम, इसको बोलते हैं पुष्प सूत्र, पुष्प सूत्र, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है ना ठीक। तो आपने तो आज बहुत बढ़िया काम कर दिया, आपने तो 10वीं और 12वीं के बच्चों से ज्यादा जान लिया, ठीक है ना जी। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, ठीक है ना। आपके कितने भाग हैं? सबसे बाहर की तरफ वाले भाग को क्या कहते हैं? बाह्य दल, बाह्य दल कौन जी। और इसके अंदर की तरफ जो भाग है वो दलपुंज जी। दलपुंज के अंदर की तरफ जो घेरा है, जो अंग है जी, उसको क्या कहते हैं? पुंकेसर, पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। और इसको किससे डिनोट करते हैं? जी के से, ए से, ए से, ए से। इसको किससे डिनोट करते हैं? ए से, ए से। और एक अकेले पुंकेसर को क्या कहते हैं? श्यान। वेरी गुड। पुंकेसर के सबसे अंदर की तरफ, पुंकेसर के घेरे के सबसे अंदर की तरफ बीचों बीच क्या स्थित है? जायांग का दूसरा नाम क्या है? वेरी गुड। और एक स्त्री केसर को क्या कहते हैं? पिस्टल कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पुष्प के भाग होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं? और मुझे पुष्प के सारे भाग, चारों भाग अलग कर करके दिखाओ अपने पास, चारों भाग जी। जिसके पास फूल ना हो वो फूल ले लो मुझसे। चारों भाग अलग करके दिखाओ, करो चारों भाग अलग करो। बाह्य दलपुंज किसने बाहर अलग कर लिए? वेरी गुड, वेरी गुड। कौन से हैं बेटा बाह्य दलपुंज? वेरी गुड।
और ये क्या है? दल।